जय हिंद बच्चों, वेलकम टू योर न्यू फिजिक्स क्लास। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, होमवर्क में क्वेश्चन दिया था इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल। आज मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है? सो लेट अस सी कल क्या क्वेश्चन था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, अ सेल ऑफ EMF 1.1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड टू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इसका मतलब एक सेल है जिसका EMF 1.1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, उसको हमने एक वायर से कनेक्ट किया, एक्सटर्नल वायर से यानी कि एक रेजिस्टेंस से जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 0.5 ओम। फिर उन्होंने क्या कहा, अनदर सेल ऑफ द सेम EMF इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब फिर क्या किया उन्होंने, दूसरे केस, दूसरी सिचुएशन बताई है कि एक और सेल है जिसका EMF उतना ही है जितना पहले वाले सेल का था। EMF इज सेम, EMF सेम कहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम नहीं कही, आइडेंटिकल सेल नहीं कहा, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना है। तो दूसरा सेल जिसका EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, सेम EMF इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमने सीरीज में लगाया, बट द करंट इन द वायर रिमेन्स द सेम। तो दूसरे सिचुएशन में एक की बजाय जब हमने दो सेल लगा दिए तो भी करंट कैसा रहा, सेम। मतलब पहले केस में अगर करंट है आई तो सेकेंड केस में भी सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है, आई, करंट इज द सेम, ठीक है? फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सेल, हमें सेकेंड सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मैंने इसको स्मॉल आर से डिनोट किया है, वी हैव टू फाइंड दिस, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। I think the concept is clear to everyone. Question is clear. एक सेल जिसका EMF 1.1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 ओम से कनेक्ट किया तो करंट मिला I. दूसरे केस में हमने उसी सेल के साथ एक और सेल लगा दिया जिसका EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, उसको जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इन दोनों को कनेक्ट किया तो भी करंट कैसा रहा, सेम। तो हमें क्या पता लगाना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? हिंट उन्होंने दे दी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ये बता दिया कि दोनों में करंट सेम फ्लो रहा है, मतलब जो आई की वैल्यू यहाँ रहेगी वही आई की वैल्यू हम इधर यूज कर लेंगे, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं जो दोनों में सेम है। करंट निकालने के लिए हम लिखेंगे करंट थ्रू द सर्किट इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में करंट थ्रू द सर्किट आई है, वो क्या होगा, हम पहले वाले फिगर से निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक ही सेल का EMF है 1.1 वोल्ट, तो EMF की जगह पर 1.1 लिखा और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1.1 अपॉन 1 यानी 1.1 एम्पियर। यहाँ पर 1.1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी कितना 1.1 का ही फ्लो होगा। अब हम केस टू के बारे में कह रहे हैं, केस टू इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, ये दो सेल्स हैं जिनका सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर क्या ये आइडेंटिकल सेल है या नॉन आइडेंटिकल सेल, ऑब्वियसली आइडेंटिकल भी हो सकते हैं नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वी डू नॉट नो। आइडेंटिकल कब होंगे, जब ये और ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेम आ जाए तो वो क्योंकि EMF तो सेम है ही, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम आ जाए तो आइडेंटिकल कहलाएंगे, अदरवाइज नॉन आइडेंटिकल। तो हमें पता नहीं है, वी हैव टू टेक द केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल ओनली, इज दैट क्लियर, क्योंकि दे हैव नॉट मेंशन। लेट अस टेक द केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल, दो सीरीज में सेल होते हैं नॉन आइडेंटिकल सेल, तो इफेक्टिव EMF कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव EMF दोनों सेल्स के EMF का सम करके निकालते हैं इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल, मैंने पिछले वाले क्लास में आपको समझाया था सीरीज कॉम्बिनेशन वाले में, ठीक है? आप रिकॉल कीजिए EMF जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, सभी EMF का सम, तो 1.1 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा 2.2 वोल्ट, दिस इज द इफेक्टिव EMF। व्हाट शुड बी द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस का सम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसकी है R और इसकी है 0.5, तो R प्लस 0.5 ओम, दिस इज द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? अब हमें निकालना क्या है, यही इंटरनल रेजिस्टेंस ही तो निकालना है, मतलब ये R की वैल्यू निकालना है। R की वैल्यू कब निकलेगी, जब ये R इफेक्टिव मिल जाएगा, R इफेक्टिव की वैल्यू से R की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेट अस फाइंड आउट R इफेक्टिव। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो यहाँ पर E इफेक्टिव कितना आ रहा है 2.2,
अपॉन में v की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस v है। v का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर, राइट। तो I into R ये करना है, I into R is 0.5 minus 1 into capital R, this is the external resistance, external resistance जो है ये 0.5 है, 0.5 को मैं half लिख सकता हूँ, obviously I can write half, ठीक है। अब इसको solve करते हैं, तो R effective जिसकी value है R plus 0.5, तो R plus 0.5 मतलब half is equal to क्या होगा, 2.2 upon I into 0.5, I है 1.1, 0.5 है half, divided by half मतलब 2 का multiply, minus 1 into बाहर half था ही, इसको solve किया, 3 by 2 minus 1 by 2 आएगा और resistance आ जाएगी 1 ohm, ठीक है। तो the value of R is 1 ohm, आपसे अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो screenshot लीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार वीडियो को आप replay करके देखिए, it's very easy, you can easily understand this, ठीक है। तो after this take a screenshot, make the notes, after this we are going to deal with the next question, एक और question मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोग question continuously note down करते जाइए, ठीक है, note down the question, four identical cells each of EMF 2 volt, question ध्यान से सुनिए, four identical cells each of EMF 2 volt are joined in parallel providing a supply current to an external circuit consisting of 2 15 ohm resistors joined in parallel. The terminal voltage of a cell as read by an ideal voltmeter is 1.6 volts. Calculate the internal resistance of each cell. Okay, this also ये जितने भी question मैं आपसे discuss करूँगा ये सारे questions board में पूछे गए questions हैं. This is also a question asked in the board. 2002 में CBSE Delhi का question है ये. ठीक है? चलो, let us read the question once again and try solving this question. मैं read करूँगा question और situation आपको एक बार फिर से समझाऊँगा. Four identical cells, each of EMF 2 volt. चार cells हैं, identical cells हैं, ध्यान रखना. मतलब EMF भी same रहेगा और internal resistance भी same रहेगा. Four identical cells, each of EMF 2 volt. हर एक का 2 volt EMF है. Are joined in parallel. चारों को parallel में लगाया है. तो क्या situation होगी? इस तरीके से होगी. पहला cell, ये हो गया. दूसरा cell, ये हो गया. तीसरा सेल ये है, चौथा सेल ये है, चारों को हमने पैरेलल में जॉइन किया हुआ है, सबके ईएमएफ की है और इंटरनल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगी. लेट अस टेक इट एज आर, चारों को हमने पैरेलल में जॉइन किया, सब फोर आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट आर जॉइंड इन पैरेलल प्रोवाइडिंग अ सप्लाई करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट. ये चारों मिलके ऑब्वियसली प्लस में से करंट निकलेगा, ये चारों मिलके एक्सटर्नल सर्किट को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 215 ओम रेजिस्टर्स. इसमें एक्सटर्नल सर्किट में 15 ओम के दो रेजिस्टर लगे हुए हैं. तो ये भी 15 ओम का रेजिस्टर, ये भी 15 ओम का रेजिस्टर, ये आपस में पैरेलल में जॉइंट है और इन सेल्स के साथ कनेक्टेड, ठीक है. द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल एज रेड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट. द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, वोल्टेज सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल एज रेड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर. वोल्टमीटर को आपको याद होगा कि किस में ज्वाइन किया जाता है, सर्किट में पैरेलल में, ठीक है. तो ये जो वोल्टमीटर है ये कितनी रीडिंग दे रहा है,
वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट की इसकी रीडिंग है, ठीक है। इसका मतलब दो मतलब सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1.6 वोल्ट। दिस हैज बीन रेड बाय एन आइडियल वोल्ट मीटर, ओके। अब ये आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, आई विल टेल यू। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, यानी कि हमें ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल की है ये पता लगाना है। आई थिंक द सिचुएशन इज नाउ क्लियर टू यू। एक बार फिर से समझा देता हूँ, चार सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं, आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। इनके साथ हमने एक्सटर्नल सर्किट से दो रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों 15-15 ओम के हैं। और इसी सर्किट में जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है, 1.6 वोल्ट। ऑब्वियसली वोल्ट मीटर इज गोइंग टू गिव द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ है ई, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता लगानी है, ठीक है। वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 1.6 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना है, 1.6 वोल्ट, ठीक है। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगानी है। अब ये जो 1.6 वोल्ट है, दिस हैज बीन रेड बाय एन आइडियल वोल्ट मीटर, तो ये उन्होंने बताया नहीं है कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा है, पर हमें ये पहले से नॉलेज होना चाहिए कि वोल्ट मीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है, इसकी एक खास बात होती है, आइडियल वोल्ट मीटर की खास बात होती है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है ये क्या होती है, इनफाइनाइट, और उसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, 0। यानी कि वोल्ट मीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अगर वो आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वो सिर्फ अपने दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। इज इट क्लियर? तो इट इज ओनली गिविंग द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ इट इज आइडियल वोल्ट मीटर, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0, ठीक। इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो चारों में से जो करंट होगा, जैसे इसमें से I1 निकला, इसमें से I2 निकला, इसमें से I3 निकला, इसमें से I4 निकला, ये चारों मिलके कितना करंट बनाएंगे, I, ठीक है। अब ये I करंट क्या यहाँ से दो भागों में बटेगा, सब लोग कहेंगे यस बटेगा, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, पर ये ध्यान में रखिए कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर है। सो देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू हियर टू द वोल्ट मीटर। ये जो आई करंट है सारा का सारा इन 15 ओम के रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब क्या हम इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स का केस याद कीजिए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कल पढ़ा था। क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव ईएमएफ कितना होता है, एक सेल के ईएमएफ के बराबर, यानी कि ई इफेक्टिव यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, ई के मतलब सिंगल सेल के ईएमएफ के ही बराबर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव कितनी हो जाती है, हमने पढ़ा था एन आइडेंटिकल सेल्स के कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय एन हो जाती है, तो यहाँ पर कितने हैं, 4 सेल्स हैं, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बाय 4 हो जाएगी इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज 4 सेल्स हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम क्या बना सकते हैं, हम एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, ये चारों सेल की बजाय एक ही सेल एज्यूम कर लो जिसका इफेक्टिव ईएमएफ है ई इफेक्टिव और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इफेक्टिव, और इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा है, ये दो, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दोनों हैं 15-15 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल रेजिस्टेंस होती है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, हाफ, 2 में, और 3 में 1/3 हो जाएगी, 4 में 1/4 हो जाएगी, ये चीज हमने पहले सीख चुके हैं, राइट। उसी को अप्लाई करेंगे तो 15-15 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कितना बन जाएगा ये, 7.5 ओम या 15/2 ओम, ठीक है। तो 2 की बजाय एक ही रेजिस्टेंस बना ली हमने 15/2 ओम की, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है। तो ये जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है और वो वोल्ट मीटर कितना दे रहा है, 1.6 वोल्ट, लेकिन इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर I इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.6 वोल्ट, ठीक है। क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं? यस वी कैन फाइंड आउट। कैसे, हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो V की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 1.6 इज इक्वल टू I निकालना है, R की वैल्यू कितनी है, 15.2 यानी कि 7.5, ओके चलो 15.2 लिखते हैं, 15 बाय 2, ठीक है, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ करंट, I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 1.6 इंटू 2 यानी कि 3.2 बाय 15 करंट मिल गया हमें। पर क्या हमें करंट निकालना है या R की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू निकालना है, ये जो R इफेक्टिव है ये कितनी है, R/4, ठीक है। क्या हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, राइट, तो स्मॉल r की जगह पर R इफेक्टिव हो जाएगा, R इफेक्टिव इज इक्वल टू E इफेक्टिव अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये फॉर्मूला है। R इफेक्टिव किसके बराबर है, R/4, तो R/4 इज इक्वल टू E इफेक्टिव कितने कितने के बराबर है, 2 के बराबर, तो 2 अपॉन V की वैल्यू हमें मालूम ही है, 1.6 माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, 15/2, सॉल्व करके R की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है, कितनी होगी है, यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे ये 20 हो जाएगा, 4 इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 16 माइनस 1 इंटू 15 अपॉन 2, ये इस साइड गया इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब बताइए ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 4 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 4 अपॉन 4 हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 बिकम्स 1, तो R इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इंटू 15/2, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब R इज इक्वल टू 15/2 यानी R इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7.5, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें करंट निकालने की भी जरूरत नहीं थी, पर अगर आपको निकालने को आता तो आप कैसे निकालते ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। योर आंसर इज दिस, आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है, इट बिकम्स वेरी इजी। जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको सिंप्लीफाई करना है, मैं शुरू से आपको सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड सिखा रहा हूँ, आपको इसी का ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर से प्ले करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट द नोट्स, अगला क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, इन द सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट को, ठीक है। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से है,
दिस इज ई वन. ई वन जो है वो 4 वोल्ट 0.5 ओम है. 4 वोल्ट 0.5 ओम. दिस इज ई टू, ये कितना है 8 वोल्ट 1 ओम. 8 वोल्ट 1 ओम ठीक. और ये जो रेजिस्टेंसेस है 4.5 ओम और ये है 3 ओम और ये है 6 ओम. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हर एक रेजिस्टेंसेस में से फ्लो होने वाला करंट निकालिए. ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, 4.5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का करंट, 3 ओम के अक्रॉस का करंट और 6 ओम के अक्रॉस का करंट. ये तीन चीजें हमें निकालनी है. फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स. क्या ये दोनों सेल्स आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है? यहाँ पर 4 वोल्ट 0.5 ओम और 8 वोल्ट 1 ओम, तो क्या हुआ ये आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल? ऑब्वियसली दिस इज नॉन आइडेंटिकल सेल. थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी इज रॉन्ग हियर. ठीक है, जस्ट गिव मी अ लिटिल पॉज, जस्ट अ लिटिल. Now the light is okay. तो सिचुएशन ये है कि यहां पर हमें तीनों रेजिस्टेंसेस से फ्लो होने वाला करंट निकालना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर दो सेल्स हैं, लेकिन यहां पर सेल्स का मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पिक किया है क्योंकि यहां पर सेल्स का कुछ अलग टाइप का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है. यहां पर माइनस प्लस और प्लस माइनस आ रहा है, यानी एक सेल के प्लस को दूसरे सेल के प्लस से जोड़ा हुआ है. ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे दो सेल्स हैं इस तरीके से, एक ये है और दूसरा सेल हम उसके साथ सीरीज में लगाते हैं, तो ऐसे लगाते हैं. अगर ये 1.5 वोल्ट का है, ये 1.5 वोल्ट का है, तो दोनों को मिलाकर ये जो प्लस है इसको किससे जोड़ा, माइनस है, इसका प्लस माइनस से जोड़ा, तो ये कितने वोल्ट का बन गया, 3 वोल्ट का. इस तरीके से जब एक सेल के प्लस को दूसरे सेल के माइनस से जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग ईएमएफ. सपोर्टिंग ईएमएफ में ईएमएफ जुड़ता जाता है, बढ़ता चला जाता है. तीन सेल्स लगाएंगे सपोर्टिंग में, मतलब एक के प्लस से दूसरे का माइनस जोड़ेंगे तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन सेम रहेगी दोनों से, करंट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, एडअप होता चला जाएगा. तो एक के प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग ईएमएफ. ठीक है, इस केस में ईएमएफ बढ़ता चला जाता है सेल का. ठीक है, लेकिन जब प्लस को प्लस से जोड़ दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपोजिंग ईएमएफ. इसमें एक सेल दूसरे सेल के ईएमएफ को अपोज कर रहा है, एक का करंट दूसरे के करंट को अपोज कर रहा है. ठीक है, तो इसमें जो नेट ईएमएफ है वो ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है, ऑब्वियसली वो माइनस हो जाता है. ठीक है, अगर मान लेते हैं सिचुएशन ऐसी कि एक सेल है इसका ईएमएफ है 2.5 वोल्ट, दूसरा सेल का हमने प्लस से प्लस जोड़ दिया, इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, तो इन दोनों के कारण नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, 2.5 1.5 ऑपोजिंग है, कितना हो जाएगा, 2.5 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 वोल्ट. ऑब्वियसली करंट किसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा, बड़े वाले सेल के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा, जिसका ईएमएफ ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. सपोर्टिंग और अपोजिंग ईएमएफ का ध्यान रखना है, यहाँ पर अपोजिंग ईएमएफ का केस है. ठीक है, तो हमें नेट ईएमएफ ऐड करके निकालना पड़ेगा ई1 और ई2 को, या माइनस करके निकालना पड़ेगा, माइनस करके. और इन केस ऑफ अपोजिंग ईएमएफ ये भी ध्यान में रखना कि करंट किसके अकॉर्डिंग फ्लो होता है, अकॉर्डिंग टू द बिगर सेल, यानी जिसका ईएमएफ ज्यादा होता है, यानी जैसे हम वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालते हैं ना, वैसे ही इसमें करना है हमें. ठीक है, तो ये पहले वाले सेल का ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट, दूसरे वाले का 8 वोल्ट. ठीक है, ऑब्वियसली ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आता है. तो हम किसी एक से करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, ये बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, इसके प्लस में से करंट फ्लो होगा तो इसके माइनस में से निकलना पड़ेगा करंट. ठीक है,
तो ये करंट की वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम, आई। ठीक, तो ये आई करंट इस 4.5 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा, फिर यहां से जो करंट है वो दो भागों में बट जाएगा, कुछ हिस्सा इधर से फ्लो होगा, कुछ हिस्सा इधर से फ्लो होगा। जो 3 ओम वाले रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा उसको हम मान लेंगे I2, और 6 ओम वाले से जो करंट फ्लो होगा उसको हम मान लेंगे I3। तो I2 और I3, ठीक है, अब ये स्प्लिट अप हो गए और यहां पर जाकर वापस मिल जाएंगे और फिर से कितना करंट बन जाएगा I, तो ये I करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई सब लोगों को। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम हर एक रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे दे रहे हैं R1, इसको हम नाम दे देते हैं R2, और इसको हम नाम दे देते हैं R3। ठीक है, तो R1, R2 और R3 में से फ्लो होने वाला करंट I और I2 और I3 है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। चलो इसके बेस पर हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको कैसा कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई इट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के कारण इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा ये निकाल लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है, इफेक्टिव ईएमएफ ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इसका है 4 और इसका है 8। ठीक है, लेकिन अपोज कर रहे हैं तो 8 प्लस 4 से इफेक्टिव ईएमएफ निकालें या 8 माइनस 4 करके निकालें। ऑब्वियसली अपोजिंग है तो 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट इफेक्टिव ईएमएफ आ गया दोनों का। दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली सीरीज में है, माइनस तो हो नहीं सकती, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड ही होती है। तो 0.5 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है तो इन दोनों की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 3 18, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का फॉर्मूला लगाइए इन दोनों के लिए, कितना हो जाएगा 6 3 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, 18 अपॉन 9 कितना होता है 2, तो इन दोनों के कारण जो रेजिस्टेंस हो गई वो 2 हो गई। उसके साथ 4.5 सीरीज में आएगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.5 और इन दोनों का 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 6.5, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कितना हो गया 6.5 ओम। ठीक है, और करंट इन द सर्किट इज I, तो ये वाला जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है ये कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया है। अब एक सेल है जिसका ईएमएफ है E इफेक्टिव, इंटरनल रेजिस्टेंस है R इफेक्टिव, इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया कैपिटल R। ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। ये हमारा डायग्राम बन गया, नाउ इट हैज बीन क्वाइट सिंपल। समझ आया, ई इफेक्टिव की वैल्यू हमें मालूम है वो कितनी आ गई 4 वोल्ट, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है 1.5 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 6.5 ओम, करंट निकालना है, करंट ही निकालना है ना हमें हर एक रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला, यानी आई की वैल्यू निकालना है और आई टू और आई थ्री की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला होगा करंट निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए फॉर्मूला कई बार यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं हम लोग, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ, ई इफेक्टिव है, ई इफेक्टिव कितना आ रहा है 4 वोल्ट, 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में आ रहे हैं, सेम करंट फ्लो हो रहा है, दे आर इन सीरीज, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, कैपिटल R इज 6.5, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5, तो 6.5 के साथ 1.5 ऐड करो, 6.5 प्लस 1.5, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी, मतलब ये आ रहा है 4 अपॉन 6.5 प्लस 1.5 इज 8, 4/8 यानी करंट कितना आ रहा है 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो करंट थ्रू 4.5 ओम रेजिस्टेंस यानी आई की वैल्यू हमें मिल गई है, तो ये हमारे आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी हमें आई टू और आई थ्री भी निकालना है, तो आई टू और आई थ्री निकालने के लिए इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये निकाल लेते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 और 3 को मिलाकर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो रही थी, 2 ओम की। तो सिचुएशन ये है कि रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट जो है ये वाला करंट ही इसमें से जाएगा, अगर दोनों को एक ही बनाएंगे तो आई करंट ही फ्लो होगा, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो क्या आई की वैल्यू हमें पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो क्या इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम वी करें, ठीक है, तो 6 और 3 के कारण 2 ओम हुई, वी है करंट है आई, लेट अस फाइंड आउट वी। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V is equal to I की वैल्यू कितनी है 0.5 यानी कि हाफ इनटू R की वैल्यू कितनी आ रही है 2 यानी V is equal to कितना हो गया 1 वोल्ट, V की वैल्यू 1 वोल्ट हो गई। अब तो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये किससे मिला है 3 और 6 से, ये दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा सेम, जब सेम रहेगा तो 3 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और 6 ओम के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, ठीक है। तो करंट निकाल सकते हैं, तो नाउ करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 ओम वाले में से जो करंट है वो है आई क्यू, तो आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, सो आई इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी है ये तो हमने निकाल ली है कितनी है 1, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है इसकी खुद के आर की वैल्यू है 3, तो 1/3 एम्पियर, this is I2, this is the second part of the answer, and in the same way I3 is equal to क्या हो जाएगा, I3 में V तो 1 है ही और R कितनी है 1/6, तो I3 is equal to 1/6 आ जाएगा एम्पियर, this is answer the third part, clear। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक बार फिर से आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए दिया है ताकि सपोर्टिंग और ओपोजिंग ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आगे चल के हमें पोटेंशियोमीटर पढ़ना है उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, रिप्ले करके देखिए, एक बार में समझ में नहीं आए तो नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। मैं एक क्वेश्चन अब आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, अब आप होमवर्क क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी, ई नहीं निकालना है, वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, ये आपको निकालना है। सर्किट डायग्राम क्या है ये आप देख लीजिए, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ बोर्ड पर, सर्किट डायग्राम इज लाइक दिस, पहला सेल है इसका ईएमएफ है 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये दूसरा सेल है इसका ईएमएफ है 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, और ये
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये 12, 6 और 4 ओम है. दिस वन इज 12 ओम, ये वाली जो है ये 6 ओम है, 6 ओम, ठीक है. एंड दिस वन इज 4 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम, ये पैरेलल में है और इधर से कनेक्टेड है, ठीक है. ये क्वेश्चन है आपको क्या क्या निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और हर एक रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट. फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं बता देता हूँ, ये बड़ा सेल है, ये प्लस जो है ये बैटरी के प्लस से जुड़ा है, यानी यहाँ सपोर्टिंग ईएमएफ हो रहा है या अपोजिंग ईएमएफ, आप लोग समझ गए होंगे कि प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है यानी अपोजिंग ईएमएफ है, ठीक है. तो किसके हिसाब से करंट फ्लो होगा, बड़े सेल के हिसाब से. तो बड़ा सेल ये है 20 वोल्ट और 8 वोल्ट में, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप होके वी की वैल्यू कुछ और भी आ सकती है, बड़े की कम भी आ सकती है, छोटे की ज्यादा भी आ सकती है, दैट कैन कम. पर हम शुरुआत के लिए मान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है. तो ये आई करंट जो है इधर से तीन भागों में बढ़ जाएगा, यहाँ से तीन भागों में, एक करंट इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर, तो तीन भागों में जो करंट फ्लो होगा ये मान लेते हैं कि इसमें से फ्लो होगा आई वन, इसमें से जो फ्लो होगा दैट इज आई टू, और ये जो फ्लो होगा दैट इज आई थ्री. मिलके फिर से क्या बन जाएंगे, इधर से आके आई, तो इधर से आई करंट फ्लो होगा, आई करंट इसमें से भी फ्लो होगा. आपको क्या निकालना है, हर एक रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट. तो 5 ओम के रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो रहा है, आई, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, और आई वन, आई टू और आई थ्री की वैल्यू निकालना है. आई वन, आई टू, आई थ्री, ये भी निकालना है, और दोनों सेल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन, पहले वाले सेल के अक्रॉस, और इसके सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी टू, तो वी वन भी निकालना है और वी टू भी निकालना है, ठीक है. सिंप्लीफाई कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से ट्राई कीजिए, यू विल गेट द आंसर. बहुत सारी चीज़ें निकालना है लेकिन बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक. आई विल टेल यू अ हिंट, हिंट में मैं आपको आंसर्स दे दे रहा हूँ इन सबके, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें, ठीक है. आंसर्स कुछ इस तरीके से हैं, आई की वैल्यू है 1.2 एम्पियर, आई वन 0.2 एम्पियर, आई टू 0.4 एम्पियर, आई थ्री 0.6 एम्पियर, वी वन 18.8 वोल्ट एंड वी टू इज 10.4 वोल्ट. ये आंसर्स हैं, ठीक है. ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए. गुड लक, जय हिंद.